हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टेली प्रेम की एक और लेटेस्ट और अमेजिंग TDL फाइल के बारे में बताएंगे। और ये TDL फाइल भी टेली प्रेम की बाकी सभी TDL फाइल्स की तरह के एक एडवांस TDL है। इस TDL फाइल की मदद से जब भी हम टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में अपनी कोई भी सील की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हम सील्स के अलग अलग टाइप्स को भी मैंशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारा कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर हमारे सील्स के अलग अलग टाइप होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कैंपेनिंग सेल, काउंटर सेल, मार्केटिंग सेल। अब टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं होता जो हमें सेल्स के वाउचर में सेल्स टाइप सेलेक्ट करने के लिए पूछे, तो इसलिए हम इस TDL फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी TDL फाइल है और किस तरीके से इसे यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टेली प्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टेली प्रेम की सेल्स टाइप TDL फाइल के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको इस TDL फाइल के नेम से इस TDL फाइल का वर्क भी कंफर्म हो जाता है। सेल्स टाइप यानी अगर हमारी अलग अलग टाइप्स की सेल होती है तो वहाँ पे हम सेल्स के वाउचर में उसको मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारा कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर जो हमारी सेल्स है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है। एग्जाम्पल के लिए कई बार हम कई जगहों पर कैंपेन करते हैं तो वहाँ पे उसे कैंपेन सेल कहा जाता है। कई बार हम काउंटर के थ्रू सेल करते हैं, कोई कस्टमर काउंटर पे आता है तो उसे काउंटर सेल कहा जाता है। और कई बार हम मार्केटिंग कर करके सेल करते हैं तो ऐसे में ये मार्केटिंग सेल्स होती है। लेकिन जब हम टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में सील की एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं आता जो हमें डिफाइन कर सके कि ये कौन सी पर्टिकुलर सेल है। लेकिन इस TDL फाइल की मदद से आप अलग अलग तरीके के ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तीन तरीके की सेल का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर आपके बिजनेस में चार सेल्स, पांच सेल्स या अलग अलग नाम से आप उस सेल्स को बुलाते हैं तो उन सबका भी एक अलग अलग ऑप्शन आप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस TDL फाइल को लोड कर लाते हैं, तो उसके बाद आपको एक सेल की एंट्री करके दिखाते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो TDL फाइल है जिसका नाम है सेल्स टाइप TDL फाइल। इस TDL फाइल को टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आकर यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F1। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है TDL एंड एडऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की O। अब यहाँ पे जितनी भी TDL फाइल्स हम लोड कर चुके हैं वो सारी हमें सामने की तरफ शो हो रही हैं और नई TDL फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल TDLs, इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट के F4। अब इस पे क्लिक करने के बाद हम TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन जहाँ पे लिखा है लोड सेलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको यस कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे नई TDL फाइल को लोड करने के लिए फाइल सिलेक्शन में दो तरीके के ऑप्शन आएंगे, सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और इस TDL फाइल का पूरा पाथ पेश कर देंगे शॉर्टकट के Ctrl+V, देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए यहाँ पे हम आपको एक सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। तो सेल की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में आ जाएंगे शॉर्टकट के V। अब यहाँ पे सेल्स के वाउचर में आ जाएंगे या तो इसकी शॉर्टकट के F8 की। अब आप देखेंगे जैसे हम सेल्स के वाउचर में आ जाते हैं यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन आता है जिसपे लिखा हुआ है सेल टाइप। ये ऑप्शन अभी आपके टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस TDL फाइल को सक्सेसफुली लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपके टेली प्रेम में भी आ जाएगा। और साथ ही में आप देखेंगे आपको सेल्स के वाउचर में और भी काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे HSN कोड, GST, टैक्स रेट और साथ ही में दो एडिशनल कॉलम्स। ये सारे ऑप्शंस भी अभी आपके टेली प्रेम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये सारे भी अलग अलग TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये सारी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सारी TDL फाइल किस तरीके से डाउनलोड करनी है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी गई है। तो वही सबसे पहले इस TDL फाइल का वर्क देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें तीन तरह की सेल होती है, कैंपेन सेल, काउंटर सेल और मार्केटिंग सेल, तो यहाँ पे जैसे हम स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारी तीन अलग अलग तरीके की सेल्स के यहाँ पे नेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे अभी इस TDL फाइल के अंदर इनकी जगह आप अपने कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हमने तीन नेम को ऐड किया। आप चाहे तो यहाँ पे 10, 15, 20 जितने भी नेम चाहे वो सभी नेम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस नेम को ऐड करेंगे। अब एग्जांपल के लिए अगर हमारी कोई कैंपेन सेल है यानी हम अलग अलग आउटलेट पे जाके कैंपेन कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट हमसे सेल करता तो कैंपेन सेल के अंदर आ जाती है,
तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें नॉर्मल सील की एंट्री करनी है। सेम इसी तरीके से अगर हमारी कोई शॉप है और वहाँ पे हमने एक काउंटर लगा रखा है, तो काउंटर पे जो भी कस्टमर आता है और वहाँ से सामान परचेज करता है तो उसे काउंटर सेल कहा जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी अगर हम अलग अलग जगहों पर जा जाके मार्केटिंग के थ्रू कोई सामान सेल कर रहे हैं, तो वो सारी सेल हमारी मार्केटिंग सेल्स के अंदर आ जाती है। तो वैसे भी हमने तीन अलग अलग तरीके के नेम ऐड कर दिए हैं, और जैसे हम सेल की एंट्री कर लेंगे और फ्यूचर में कभी भी सेल्स रजिस्टर को देखेंगे, तो वहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ही मेंशन हो जाएगा कि कौन सी सेल हमारे किस कैटेगरी के थ्रू की गई है। अब यहाँ पे अगर आप इन तीन नाम की जगह कोई और नाम ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस TTL फाइल पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जितने भी नेम आ रहे हैं, आपको यहाँ पे कोमा लगाते हुए आगे उन नेम्स को ऐड करते रहना है और सिंपल इस TTL फाइल को सेव कर देना है। और जैसे आप इस TTL फाइल को सेव कर दे, तो एक बार दोबारा से आपको इस TTL फाइल को लोड करा देना है, तो यहाँ पे आपको सारे नए नाम भी शो हो जाएंगे। तो टेलीप्रेम की काफ़ी यूजफुल TTL फाइल है और उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है जिनके बिजनेस के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज सेल्स होती हैं। जो लोग सिंपल एक ही तरीके से अपनी सेल्स एंट्री करते हैं, वो यहाँ पे सेल्स टाइप TTL फाइल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो इस TTL फाइल को अपने किसी दूसरे वर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो इस TTL फाइल का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम आप देखेंगे आपको गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ, राइट साइड में और ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे हम टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहेंगे, अंदर की तरफ भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस अलग अलग तरीके की TTL फाइल की मदद से ऐड किए गए, और ये जितनी भी TTL फाइल्स हैं सभी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। इन सभी TTL फाइल्स की वीडियोज़ पहले से क्रिएट कर दी गई हैं और TTL फाइल के साथ सारी वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TTL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टेलीप्रेम की ऑल TTL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टेलीप्रेम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टेलीप्रेम की ऑल TTL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TTL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500। 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TTL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है, तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टेलीप्रेम की ऑल TTL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।